आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह पूछा था कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, तो सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रियांक सर से। तो आप जो है जानेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन का जो है एग्जाम होने की क्या संभावनाएं हैं। तो सर आप आज जो है इस सेशन को हैंडल करिए और बताइए कि एक्चुअल में एग्जाम की जो है क्या संभावनाएं हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुमार प्रियांक एक बार फिर से आप सबके समक्ष आ गया हूं। और जो हमारा लास्ट जो वीडियो गया था उसमें बहुत से जो दोस्त हैं साथी वो लोग पूछ रहे थे कि आखिर एग्जाम होगा कब, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम कब होगा, इसको लेकर के एक्यूरेसिटी। फिर उसके बाद जो बिहार सिविल कोर्ट का जो प्यून का यानी ऑर्डरली का जो एग्जाम है उसको भी जिन लोगों ने भरा है लाखों की संख्या में, वो भी थे परेशान कि आखिर कब होगा। कुछ लोगों का कमेंट लिखा कि दुखी थे, पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ भी अगर इस एग्जाम से संबंधित आता है तो यहां आता है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कहीं भी आपको जानकारी नहीं मिलती है इस साइट पर अभी तक एग्जाम रिलेटेड कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क या फिर उसके बाद प्यून का एग्जाम कब होगा, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अपना एक होता है ब्याह करने का या फिर बताने का, और जो मेरा अपना एक अनुभव रहा है, ठीक है, और जो मेरे संगी साथी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से LLB किया हूं और इसके पहले मैं अधिवक्ता भी रह चुका हूं, तो जाहिर सी बात है कि जो जुडिशियरी है या जो एडवोकेसी उसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो है परिचित हैं। तो उन सबसे बात करने के बाद जो एक बात निकल करके आई कि कम से कम अभी कम से कम 1.5 महीने तक तो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो ये पीटी है वो नहीं होने वाला है, ये एकदम कंफर्म हो लीजिए। और यही कारण है दोस्तों कि हम लोग अपना ये वाला कोर्स लेकर के आए थे, 45 दिन का क्रैश कोर्स, जिस पर कुछ साथियों को लग रहा होगा कि कोर्स लेकर आ गए, डेट का अभी ठिकाना है नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा। देखो होता क्या है कि एक बार हम लेकर के आए तैयारी कराने के लिए तो कुछ लोग कहेंगे कि डेट का पता नहीं है, तैयारी कराने आ गए। और जब एक बार क्या किया कि जब डेट एकाएक आ गया रीडर का और हम तैयारी कराने लगे यूट्यूब पर, तो लोगों ने कहा क्या सर, अब जब एकदम भोज पर कोहरा रोपने आ गए कि जब एग्जाम सिर पर आ गया तब आप आ रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही तरह की बातें करेंगे, उसमें भी नहीं जीने देंगे, इसमें भी नहीं जीने देंगे। खैर उन लोगों से नहीं कोई फर्क पड़ता, ज्यादा जो है हमारे जो साथी जिनके साथ हमारा जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो मुझे जो जानकारी आ रही है मिलकर के इस संबंध में कि अभी बिहार सिविल कोर्ट जो रीडर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, कम डिपोजिशन राइटर जिसका इंटरव्यू हुआ है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक में जो है वो छाप नहीं आ रहे थे उंगलियों के, जिसके कारण उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। अब जो बायोमेट्रिक संबंधी जो दिक्कतें थी उनको दूर करके उन लड़कों का फिर से उन अभ्यर्थियों का कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है जब रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कम से कम इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो और कुछ सूत्रों से जो मुझे जो जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये जून का महीना है, इसके बाद गर्मी भी आप देख रहे हैं प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जुलाई है और फिर 15 अगस्त है। तो मोटा मोटी कम से कम आप मान सकते हैं कि अभी 1 से 1.5 महीने तक यह एग्जाम बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आप निश्चिंत होकर के तब तक अपनी तैयारी कीजिए। और हाँ ये भी बता दें कि चूंकि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रीडर का आपने देखा ही होगा साथियों कि कितनी जल्दी आनंद फानन में पीटी के बाद मेंस भी हो गया और तुरंत इंटरव्यू भी हो गया। तो आप यकीन मानिए कि जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है और उसके ठीक पीछे जो है प्यून यानी ऑर्डरली का जो एग्जाम है वो एकदम ऐसे ही आनंद फानन में हो जाएगा और फिर आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि अगर हम अभी से 1.5 महीने का एक समय लेते हैं तो आपका ये आधा जून इधर गया 15 दिन और उसके बाद जो है 1 महीना जुलाई का, ठीक, और इसके बाद अगस्त आता है, 15 अगस्त यानी अपना स्वतंत्रता दिवस। जाहिर सी बात है न्यायपालिका जो है
उन सब चीजों में व्यस्त रहती है। तो जहां तक मुझे जो जानकारी मिल रही है, आपका ये एग्जाम अगस्त महीने में जो है 15 अगस्त के बाद होने की जो है पूरी संभावना है। और इसके बाद भी हम बता दें कि चूंकि हम लोग अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो 45 दिनों का है, तो एक आइडिया तो जरूर मिल गया है मुझे अपने साथियों से कम एक डेढ़ महीना तो किसी कीमत पर यह एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इतना कंफर्म रहिएगा। और उसके बाद ही यानी कि अगस्त महीने में जो है इसके बहुत फेयर चांसेस हैं एग्जाम हो जाए। और जिन लोगों के मन में यह भ्रम है कि अरे इस साल नहीं होगा क्या, पहले कोर्स ले आए, एग्जाम लाइए ना, ठीक है, अरे भैया एग्जाम लाने का जो काम होता है वो न्यायपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने अभ्यर्थियों को तैयार रखने के लिए अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर देना, ठीक है, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बता रहे हैं आपको कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी वो यही आएगी, जो कि हमने यहां पर दिखाया आपको कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के जो उसका वेबसाइट है इसी पर आपको जानकारी मिलेगी कि कब इसका एग्जाम होगा। लेकिन इसके बावजूद एक होता है ना छात्रों में कि सर आप लोग इससे जुड़े रहते हैं तो शायद कुछ जानकारी मिल सके ऑथेंटिक। बिल्कुल, जो मुझे जो जानकारी मिली है एक डेढ़ महीने तक तो कम से कम एग्जाम नहीं होना है, और उसके बाद एक संभावना है कि मान के चलिए कि अब जब भी होगा तो 15 अगस्त के बाद होगा। लेकिन एक अभ्यर्थी को एनी टाइम कमर कस के तैयार रहना चाहिए, यह भी मेरा सुझाव है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा और लगे रहिएगा, जिसमें कि एक एक चल के हम लोग सारा काम आपका जो है कराते जाएंगे। जैसे कि कल भी हमने बताया था आप लोगों को, कल के वीडियो में हम लोग बताए थे कि जितना आप यहां पर देख रहे हैं हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर, इन सभी चीजों पर कमांड कर लीजिए और परेशान मत होइए कि समय ज्यादा लग रहा है। आपसे पहले रीडर वाले भी परेशान थे कि सर समय लग रहा है, और जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो पता भी नहीं चला कि कब पीटी, कब मेंस और कब इंटरव्यू हो गया। इसलिए उस उधेड़बुन में मत रहिएगा, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। और यकीन मानिए साथियों कि जो भी तैयारी कराएंगे हम लोग वो एकदम बेस्ट होगा। आप इसके पहले भी अगर आप में से जो भी साथी मुझे यानी कुमार प्रियांक को जानते होंगे तो आप पाएंगे कि जो इसके पहले अपने किसी भी रीडर साथी से पूछ लेना या पटना हाईकोर्ट को जो नव नियुक्त एएसओ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कि कुमार प्रियांक कौन है, ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यकीन मानिए कि पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। तो जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उस पर भरोसा रखिए साथियों, ठीक है। आप देखेंगे इसमें एग्जाम दौर पर कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क क्रैश कोर्स 45 दिन का क्रैश कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट्स है, 15 सेट टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं विद डिस्कशन, जो आपको कोई नहीं दे रहा है, और पूरी मेहनत से ये चीजों को हम लोग तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आ गए और बिना कुछ किए हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। और फीस भी एकदम नॉमिनल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भी मेहनत लगती है और कुछ भी जो है उसका एक मूल्य जो होता है वो होना चाहिए, जिससे कि चीजें क्या होती हैं सही रहती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल्य मोबाइल नंबर आप ये देख रहे होंगे 7667275916, आप किसी भी क्वेरी के लिए इस पर जा सकते हैं। एग्जाम दौर है तो कल भी हम बता चुके थे कि ये क्लर्क वाले में जो है आपका 10 नंबर का रीजनिंग है, ये सारी चीजें हैं, तो ये देख लीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा ये टाइपिंग का मिस्टेक था, कल भी उसको मैंने ये किया था, खैर जो है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो आपने देखा होगा बिहार सिविल कोर्ट प्यून क्लर्क एग्जाम कब होगा, जाने सही और सटीक जानकारी तो आपको हम बता दें कि यह जून का महीना, ठीक है, लगभग आधा बीत चुका है, लगभग मतलब, और इसके बाद जुलाई, सारी ताकत इसी में लगानी है साथियों, और इसके बाद अगस्त, ठीक है। आप याद रखिएगा कि जो बचे हुए दिन है इसमें हम लोग 18 जून से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पूरा जुलाई ये जाएगा और अगस्त में हम पूरी तरह तैयार होंगे कि आओ कर लो दो दो हाथ, ठीक है। आप याद रखिएगा इस चीज को कि कोर्ट जो है उसने भी अपने मुट्ठियों को भींच लिया है, और वो भी जैसे ही रीडर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वैसे ही जो है क्लर्क और उसके बाद प्यून की प्रक्रिया जो है
शुरू हो जाएगी। और हम लोग देखे कि जो कर का सिलेबस है वो हमने देखा था, पीयून वाले में आप देख लीजिएगा कि जो हिंदी है ठीक है, और मैथ्स इन चीजों पर, और इसके अलावा इंग्लिश, इन तीन चीजों पर ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। जो पीयून यानी ऑर्डरली की जो तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्यूटर, जीके, जीएस और रीजनिंग से जो है कोई मतलब नहीं रखना है, याद रखिएगा। तो आप जो है जो पीयून की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लर्क वाली तैयारी में आप चाहे तो आप हिंदी पर ध्यान दे दें, मैथ्स वाले पोर्शन पर ध्यान दे दें और इंग्लिश पर ध्यान दे दें, अभी से तैयार रहें, क्योंकि ठीक क्लर्क के पीठ पर जो है पीयून जो है वो सवार रहेगा और तुरंत उसके पीछे पीछे उसका भी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा फोकस इस पर और थोड़ा सा फोकस इस पर करना है। और जिन लोगों का भी ये होगा ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और जो एक बात होती है विश्वसनीयता की, तो हमने कहा है आपको कि आप बिल्कुल जा करके पटना हाई कोर्ट में अपने नव नियुक्त जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनसे पूछिएगा मेरे बारे में। और इसके अलावा जो भी कोर्ट रीडर की जो परीक्षा जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जिन लोगों ने मेरे से मॉक इंटरव्यू लिया है, आप उनसे पूछिएगा कि प्रियांक सर का क्या योगदान रहा है उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या उसके पहले भी मेंस में मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ था, आप देखेंगे कि कैसे जो है रीडर एग्जामिनेशन मेंस के 6 दिनों पहले ही मेरा एसे और मेरा लेटर जो है जो एडिटर को लिखा गया था, लिखा जाना था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द पुअर एंड पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द रोड, तो वो लेटर 6 दिन पहले जो हमने पढ़ा दिया था यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। एक चीज और, जैसे हम लोगों ने यह भी कहा कि क्लासे लेकर के आएंगे तो ना, जैसे मेरा जो पोर्शन होगा बेसिकली जीके एंड जीएस वाला, तो हम लोग कंस्टिट्यूशन को लेकर के जो है आएंगे, और जो छोटी छोटी क्लासेज होंगी 45-45 मिनट, 1-1 घंटे, आधे घंटे, मतलब जो टॉपिक उठाएंगे कोशिश करेंगे कि उस एक पार्टिकुलर टॉपिक को एक क्लास में हम लोग बाइंड अप कर दें, ताकि आपके लिए हम सहूलियत हो जाए। बहुत डीप भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई टफ एग्जाम होता है, हल्के क्वेश्चंस होते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं उन सबको हम लोग टच करेंगे। तो इतना जो है ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, कल आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो आप ये देख रहे होंगे सामने, ये देख लिया, इसके अलावा ये जो चीजें हमने दिखाई हैं, देखिएगा हमारे शिक्षकों की जो ये टीम है, और जरूरत पड़ी तो इसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन लोग जुड़ जाएंगे, इनमें से कई लोगों को आप जो है यूट्यूब पर देखते भी होंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख डालिएगा और हम लोग जो है उसका जवाब जो है पूरी तरह देने की कोशिश करेंगे। और परेशान मत होइएगा, बहुत कुछ साथी को ये लगता है कि डेट का पता नहीं है और ये लोग कोर्स लेके आ जाते हैं, अरे साथी डेट आ जाएगा ना तो फिर आप ही कहिएगा कि सर भोज पर कोहरा रोपने आ गए, इसे तैयार रहिए और निगेटिव चीजों से बचिए, निराशा में आशा का एक वातावरण बनाइए और तभी आप सिलेक्शन पाइएगा। अगर निगेटिव माइंडसेट में रहिएगा ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। और कोई आपके लिए पसीना बहा रहा है तो उस मेहनत की आप भी थोड़ी इज्जत कर दीजिए, गुरु की इज्जत करोगे तो पक्का जो है फल मिलेगा, इतना याद रखना, और अच्छा वाला मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।